तो वर्णन आता है ये जो सूरज की शक्ति है वो ब्रह्म ज्योति का एक अंग है। तो सूरज जब प्रकाश देता है वो ब्रह्म ज्योति की शक्ति से ही प्रकाश देता है। तो ये ब्रह्म ज्योति का प्रकाश सब जगह है, भगवान के पूरे सृष्टि में व्याप्त है, पर एक छोटा सा कोना है जिसको महत तत्व बोलते हैं या भौतिक दुनिया, वहां पे ब्रह्म ज्योति का प्रकाश नहीं आता। जैसे सूरज की किरणें हैं सब जगह, पर एक जेल है जहां पे कुछ भी, सब दरवाजा डोर सब सील्ड है, तो जेल के अंदर सूरज की किरणें प्रवेश नहीं करती। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में सब जगह ब्रह्म ज्योति का ही प्रकाश है, पर ये छोटे से भाग में भौतिक दुनिया में हमेशा अंधकार है क्योंकि ब्रह्म ज्योति का प्रकाश नहीं। तो ये छोटे से कोने ये भौतिक दुनिया में अनगिनत ब्रह्मांड है एक भौतिक दुनिया के कोने में, और ये अनगिनत ब्रह्मांड में अनगिनत लोक हैं, और उसमें से धरती एक बहुत छोटा लोक है एक छोटे से ब्रह्मांड में। तो भौतिक व्याधि व्यक्ति है पहले तो ये भौतिक दुनिया में ही उनका मन लगा रमा रहता है, ये भौतिक दुनिया ही समझ नहीं सकते, ये ब्रह्मांड को ही समझ नहीं सकते, ये पूरे भौतिक दुनिया को क्या समझेंगे, उससे परे भी जाएंगे, उनका लक्ष्य रहता है ब्रह्म ज्योति तक पहुंच गए वहां पे लीन हो गए तो जिंदगी कल्याण। पर भक्त जानते हैं कि ब्रह्म ज्योति से भी श्रेष्ठ है भगवान का रूप, इसलिए भक्त ब्रह्म में लीन होना मुक्ति को ज्यादा महत्व नहीं देते, महत्व क्या देते हैं भगवान की मुक्ति को, क्योंकि भक्त जानते हैं जन्मादि यस्य यतः कि सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, ये भौतिक दुनिया ब्रह्म ज्योति सब भगवान से ही आ रहा है। जो भौतिकवादी लोग हैं हमारे छोटे से बुद्धि से ये आकाश को ही हम समझ नहीं सकते, कितना बड़ा आकाश यही वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे, आध्यात्मिक जगत को क्या समझेंगे, इसलिए वो चीज हम हमारे बुद्धि से समझ नहीं सकते, जो चीज हमारे बुद्धि से परे है वो समझने का तरीका है हमको भगवान से और शास्त्रों से और भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना है। जब भगवान अपने बारे में बताते हैं सृष्टि के बारे में बताते हैं तभी हमारा ज्ञान पूरा रहेगा।